नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी चर्चा में बनी रहती है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को करते हुए, ऐसे में कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो दादरा एवं नगर हवेली सहित दमन दीव में ढाई ढाई साल के कार्यकाल के बाद जिस तरह से जिला पंचायत में फेरबदल देखने को मिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पदों पर, वैसा ही नजारा जो है आज देखने को मिला सिलवासा नगर पालिका में, दमन में और अलग अलग जगहों पर। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो ये है कि सिलवासा नगर पालिका के चुने हुए दो काउंसिलर जो हैं मनोज दयात और हितेश पटेल और पूर्व में रहे हुए नीलेश भाई मायावंशी, ये तीनों जो हैं आज भारतीय जनता पार्टी के एक पद से इस्तीफा कर दिए हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने ये जो लेटर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरे हाथ में, ये उनका त्याग पत्र है जो जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने अपने पदों से। किन पदों से वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिलवासा यानी जिस तरह सिलवासा नगर पालिका के काउंसिलर हैं मनोज दयात जी, जिन्होंने सिलवासा जिला शहर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने हेतु, यानी ये त्याग पत्र जो है दीपेश टंडेल को यानी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें सौंपी गई है 26/5/2023 यानी आज ही के दिन। आखिर क्या हो सकता है कि आज दोपहर के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी। दूसरी बात, दूसरा नाम जो है वो है हितेश पटेल जी, जिन्होंने दीपेश टंडेल को ही लेटर लिखकर उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने हेतु। यानी इन्होंने अपने मंडल पद जो अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, उस पद से जो है हितेश भाई जो काउंसिलर है सिलवासा नगर पालिका में, उन्होंने भी आज भाजपा के इस पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद है दीपेश टंडेल जी को तीसरा लेटर जो है वो आज यहां पर दिया गया है, जो कि सिलवासा से सिलवासा नगर पालिका में पूर्व में रहे जो काउंसिलर हैं और भाजपा के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं नीलेश माहेवंशी, जो बाविसा फलिया विस्तार से आते हैं, जिसमें काफी युवा जो है इनके टच में है, जिन्होंने अपना जीत के लिए कड़ी मशक्कत करके पिछले दिनों चुनाव जीते थे और उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो इस वक्त सिलवासा नगर पालिका में काउंसिलर है। इन्होंने भी सिलवासा स्टेट दमनदीव अनुसूचित जाति मोर्चा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं। आखिर क्या कारण हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के तीन यानी दो जीते हुए जो अभी जिनका कार्यकाल चालू है वो आज इस तरह से इस्तीफा दे दिए हैं और पूर्व में रहे काउंसिलर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस पे काफी कुछ सोचने का विषय बनता है। और सबसे बड़ी जो विषय है वो ये है कि आज ही के दिन नगर पालिका में सुबह सुबह नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं राकेश चौहान जी, उनके जगह पर रजनी सेठी जी जो हैं उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, और उपाध्यक्ष के लिए अगर बात किया जाए जो अजय भाई देसाई थे उनके जगह पर किशन परमार जो है युवा नेता, उन्हें वहां पर जो है बिठा दिया गया है। और उसके बाद फॉरन जब हमने ये खबर सर्कुलेट किया और हर जगह तमाम जगहों पे बधाइयों का संदेश चल रहा था, ऐसे में अब हमारे पास जो है वो इस तरह के लेटर्स जो है वो इस्तीफा पत्र जो है वो हमारे हाथ लगी है, जिसमें आज ही के दिन और ये जो दोपहर के बाद का समय जो बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है बीजेपी ऑफिस में जो है इनके इस्तीफा जो है वो दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली के तमाम लोगों को ये चीज सोचने की जरूरत है कि आखिर भाजपा किस और किस दिशा में आगे चल रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से बता दिया जाए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जो भारत का भविष्य तय करेगा, आने वाले दिनों में किस तरह से भारत में किस पार्टी की सरकार बनेगी इस पर सबकी नजर होगी। तो ऐसे में दादरा एवं नगर हवेली में एक अलग ही चेहरा सामने नजर आता जा रहा है, अलग ही मामला सामने आ रहा है। आखिर क्या वजह हो सकता है कि आखिर इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि भाजपा से, भाजपा के इन पदों से जो है इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे में सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर भाजपा में चल क्या रहा है, आखिर भारतीय जनता पार्टी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग जो एक पद पर हैं, जिनका कार्यकाल शुरू है, जो एक अच्छे लेवल से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, ये सभी लोग आखिर क्यों भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी भाजपा के इन पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। ये सोचना होगा आप सबको कि आखिर क्या है मामला, और इस विषय पे हम कोशिश करेंगे इन तमाम लोगों से मिलकर उनकी बातों को जानने की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिलवासा।